মহাত্মা গান্ধী ভারতের স্বাধীনতা পথিকৃৎ ছিলেন। তাই এখন আমাদের কর্তব্য হচ্ছে ভারত মাতাকে পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন রাখা। स्वच्छता ही सेवा 2024 कैंपेन है, स्वच्छता को लेकर है। ये 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक का एक 15 डेज का पखवाड़ा है, जिसमें पूरे देश में ही इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, एक्सेप्ट फॉर द स्टेट्स यहाँ पे इलेक्शन है। तो उसके अंतर्गत स्वच्छता को लेकर लोगों में सचेतना फैलाना है। उसके बाद जो हमारे सफाई मित्र हैं उनकी सुरक्षा का ध्यान देना है, और जितने भी हमारे गार्बेज पॉइंट्स हैं यहाँ पे पब्लिक प्लेस में जहाँ पे गार्बेज इकट्ठा होता है उसको क्लीन करना है। तो उसके अंतर्गत सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट में जिला प्रशासन ने बहुत सारे एक्टिविटीज़ प्लान किए हुए हैं। तो आज उन कैंपेन का लॉन्च था डिस्ट्रिक्ट में, तो लकीली वी हैड चीफ सेक्रेटरी सर ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ द प्रोग्राम। तो आज के प्रोग्राम में हम लोगों ने हमारे सफाई मित्र हैं फेलिसिटेट किया है, जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स दिए हैं, और जो गवर्नमेंट स्कीम्स होते हैं ABP MJY हो गया, या फिर स्ट्रीट वेंडर्स को फूड सेफ्टी का सर्टिफिकेट हम लोगों ने यहाँ पर दिया है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर प्लेज टेकिंग किया है, साथ ही साथ में CMO साहब ने यहाँ पर हेल्थ कैंप भी ऑर्गेनाइज किया है, जहाँ पर सफाई मित्र लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाएगा टेटनस, टाइफाइड, हेपेटाइटिस बी का, और डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन का जाँच है। और अंत में हम लोगों ने एक प्लांटेशन ड्राइव किया। आने वाले 15 दिनों में ऐसी एक्टिविटीज़ साइक्लोथॉन, मैराथन, फिर सफाई मित्र लोगों का कैंपेन डिस्ट्रिक्ट के प्रत्येक ब्लॉक में, प्रत्येक सब डिवीजन, अर्बन लोकल बॉडीज में होगा, ताकि स्वच्छता को लेकर जो माननीय प्रधानमंत्री का जो उद्देश्य है, माननीय मुख्यमंत्री जो स्टेट लेवल पर जो कैंपेन उसको मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, केवल गवर्नमेंट के इसमें हम एक लोगों का प्रत्येक मार्ग जरूरत है, जरूरत है, बिना उसके हम लोग स्वच्छता हम लोग नहीं कर पाएंगे। एकदम से मैं उन सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि स्वच्छता जीवन शैली में लेकर आएँ, और डेली जो हमारे कल जाएंगे शुरू होकर के 2 अक्टूबर को समाप्त होगा, इसके आयोजन के लिए जीएन साहब को और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। और यह जो आज कार्यक्रम हुआ, ये उन्होंने और उनकी टीम ने बहुत ही कम समय में ऑर्गेनाइज किया, और सबसे बड़ी बात है कि यह जो कार्यक्रम हो रहा है स्कूल के प्रांगण में हो रहा है, स्कूल के प्राइमरी में हो रहा है, जहां हमारे ये बच्चे भी मौजूद हैं। जैसा कि आपने डीएम साहब को सुना कि सरकारी स्तर पर स्वच्छता के लिए बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं, और आज से नहीं करीब 2000 साल से, सन 2000 से किसी न किसी रूप में स्वच्छता के लिए काम हो रहा है। आप लोगों ने भी सुना होगा कि पहले निर्मल ग्राम पुरस्कार दिए जाते थे, कि जो भी गांव सबसे ज़्यादा स्वच्छ रहता था उसको दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया है। उसी तरीके से बहुत सारे इंडिविजुअल अवार्ड्स भी रहते थे, और जो अच्छा काम करते थे सफाई के लिए उन्हें भी पुरस्कृत किया जाता है। और आज करीब 24 साल हो गए हैं, बहुत कुछ प्रगति हुई है, लेकिन सफाई एक ऐसा विषय है जो निरंतर हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग होना चाहिए, और इसी को ध्यान में रखते हुए जो भी थीम्स अपनाए गए हैं, जैसा कि डीएम साहब ने आपको बताया कि बिहेवियरल चेंज, स्वभाव में परिवर्तन, उसी तरीके से और बहुत सारी बातें बताई गई। इलाका है वो भी साफ है, कभी कभी आपने देखा होगा कि घर बहुत अच्छा है, लेकिन घर के बाहर निकलते ही बहुत सारा कूड़ा रहता है, तो यह नहीं होना चाहिए। और शपथ पत्र में यह भी लिखा पढ़ा गया है कि हम प्रत्येक
यहाँ जो उपस्थित हैं, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, संबंधियों को, कम से कम 100 लोगों को इस बात की जानकारी देंगे। तो इसका अर्थ यह हुआ कि समाज में स्वच्छता के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाई जाए। सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, लेकिन जब तक जन भागीदारी नहीं रहेगी, हम सभी लोगों की भागीदारी नहीं रहेगी, तो एक जो जन मानसिकता होती है समाज की, वह नहीं आ पाएगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि सिपाही जला अन्य कार्यों में काफ़ी नेतृत्व भूमिका निभाता है। स्वच्छता के क्षेत्र में भी यहाँ अच्छे कार्य हो रहे हैं, वह ग्रामीण स्वच्छता हो चाहे शहरी स्वच्छता हो, और इसी तरह का जो कीर्तिमान आप लोगों की मदद से सिपाही जला डिस्ट्रिक्ट कीर्तिमान स्थापित करते रहे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जिला प्रशासन को या इससे संबंधित अन्य जितने भी विभाग उनको आप सहयोग करते रहेंगे। मैं पुनः